नहीं है और अब आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, सो अपना चैप्टर है बच्चे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड मतलब फोर, लेटरल्स मतलब ऐसी शेप्स की फोर साइड है। ठीक है, तो फोर साइड की शेप को हमें समझना है। सो अपना चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल्स को समझने से पहले हम कुछ और चीजों को समझते हैं। देखिए ये एक सिंपल लाइन है, ओके? ये क्या है? ट्रायंगल। ट्रायंगल मींस ट्रायंगल। इसमें थ्री साइड है, वन टू थ्री। इसके बाद ये है आपका क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बच्चे, अच्छा लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि पॉलीगन, पॉलीगन, पॉलीगन क्या होते हैं? द शेप व्हिच हैव मोर टू और मोर साइड्स। ठीक है, तो ये भी एक पॉलीगन है, ये भी एक पॉलीगन है, ये देखो इसमें कितनी साइड है? फोर साइड। ठीक है, और ये देखो इसमें कितनी साइड है? वन टू थ्री फोर फाइव। सो व्हाट इज दिस? दिस इज पेंटागन। पेंटा, पेंटा मींस फाइव, गन मतलब साइड। वन टू थ्री फोर फाइव, क्या है ये? पेंटागन है। ठीक है, और ये क्या है? इसमें कितनी साइड है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। कितनी है? सिक्स, यानी कि क्या है? हेक्सागन। क्या है बच्चों? हेक्सागन। ठीक है, सिमिलरली सेप्टागन एंड ऑक्टागन। सो ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको स्टडी करेंगे। ये है क्वाड्रिलेटरल। इससे पहले हमने देखा कि ऐसे अलग अलग शेप को उनकी साइड के बेसिस पे नेमिंग दी जाती है। ठीक है, सबसे पहले आप निकालिए अपनी एनसीईआरटी का पेज नंबर 37। ओपन योर बुक पेज नंबर 37। ओपन योर बुक एवरीवन, पेज नंबर 37। यस मैम। इसमें एक टेबल दी बच्चे, फिगर, और उसमें साइड में लिखा है टाइप, को हमें बताना है कि कौन सी फिगर किस टाइप की है। तो सबसे पहले हमने देखा ऐसी फिगर है ना, ये फिगर आपके बुक में सीरीज। यस मैम। ये फिगर है। ठीक है, तो ये क्या है? ये सिंपल कर्व है। सिंपल कर्व नॉट क्लोज्ड, और नॉट अ सिंपल कर्व, सिंपल कर्व बट नॉट क्लोज्ड। बताइए कौन सा नहीं है? ए बी सी डी व्हिच इज? मैम डी, नॉट अ सिंपल कर्व। नॉट अ सिंपल कर्व, वेरी गुड। बिकॉज़ देखो हमारे पास होता है बच्चों इस तरीके का कर्व होता है, और ये कैसा है? इस तरीके का, राइट? सेकंड देखिए, सेकंड बताइए। सेकंड कौन बताएगा? आप सी पार्ट होगा बच्चों, सी। और थर्ड मैम सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज्ड। हां, थर्ड बताओ। थर्ड सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व। नो बच्चे, थर्ड इज सर्कल। सर्कल, सिंपल क्लोज्ड, सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, वेरी गुड। फोर्थ देखिए, अ क्लोज कर्व दैट इज नॉट सर्कल, नॉट सिंपल, नॉट सिंपल, वेरी गुड। अ क्लोज कर्व दैट इज नॉट सिंपल, वेरी गुड। बेटा म्यूट करो यशवंत, ओके? अंडरस्टूड दिस? नेक्स्ट आ जाओ पॉलीगन देखो। अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन्स। ठीक है, सो पॉलीगन्स का क्या मतलब है? क्लोज कर्व होना चाहिए, यानी कि ओपन नहीं होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। ठीक है, That is made up of only line segments, जो कि सिर्फ line segments से बना है। ठीक है, जैसे कि देखो इसमें यहाँ पे हमें दो drawing दिखाई है। As you can see in your book, ये वाले जो diagram है ये close है, और ये वाले जो diagram है ये open है। So these are called polygons and these are not polygons, right? Can you see the difference between them? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next page. Yes, ma'am. Next page. Next page पे table दिया चो। जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सेम वही टेबल है। देखो ये हमारे पास थ्री साइड्स वाला है, तो ये क्या है? ट्रायंगल। इसके बाद नेक्स्ट शेप में फोर साइड है, तो क्या है ये? क्वाड्रिलेटरल, सॉरी ये क्वाड्रिलेटरल है। आगे फाइव साइड है, तो क्या है ये? पेंटागन। आगे सिक्स साइड है, तो क्या है ये? हेक्सागन।
आगे सेवन साइड है तो क्या है हेप्टागन, नेक्स्ट में एट साइड्स हैं तो ये क्या है बच्चों ऑक्टागन, उसके नेक्स्ट में नाइन साइड है तो ये क्या है नोनागन, और उसके नेक्स्ट में एट साइड है, काउंट कर लो देखो एट साइड है इसमें, सॉरी टेन साइड है तो ये क्या है डेकागन, तो सिमिलरली इसे बढ़ता जाता है। समझ आ गया सबको यहाँ तक, शेप समझ आई, पॉलीगन समझ आए, नेमिंग कैसे की ये समझ आया आपको? यस मैम। ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। So next we see diagonals. So what is diagonal? Diagonal is a line segment connecting the two non-consecutive vertices of a polygon, right? So diagonals are the same thing. So, understand? Definition क्या बोलती है कि ऐसी line segment जो continuous दो point को connecting non-continuous, sorry continuous नहीं non-continuous, देखो जैसे मेरे पास ये quadrilateral है, ये पॉइंट उसके बाद ये वाला पॉइंट इसके बाद ये वाला नॉन कंटीन्यूअस, यानी कि ये एक डायगोनल है राइट, ये भी एक डायगोनल है, सो वी कैन सी इस फिगर में हमें और भी डायगोनल मिल रहा है क्या? यस और नो? नो मैम। नो मैम। नो मैम। 1 2 कितने हैं? ओनली 2 राइट। अच्छा अब हम एक हेक्सागन बोलते हैं, इसमें कितने डायगोनल है चलो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 और भी है क्या? ये रहा है 7 और भी है क्या? ये रहा है 8 9 diagonal है, इसमें एक और diagonal बनेगा इसका क्या? इसमें कितने बनेंगे? 9 बनेंगे बच्चों। जैसे कि स्टार्ट में ठीक है इसके डायगोनल आप लिखोगे तो इसके बाद ये वाला पॉइंट इसको छोड़ दो, किससे मिलाएंगे इसको, इसको 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 मिलाएंगे, किससे मिलाएंगे इसके मिलाएंगे इससे, ठीक है? और सिमिलरली आप इस ऐसे डायगोनल ड्रा कर सकते हो। तो आप एक चीज देखोगे बच्चों कि जो हम डायगोनल बना रहे हैं इसमें कुछ फिगर में अंदर बनते हैं कुछ फिगर में बाहर बनते हैं, जैसे ये फिगर है हमारे पास इसमें फाइव डायगोनल अंदर है ना, एक मेरे पास ये फिगर है इसके डायगोनल ये नॉन कंसेक्यूटिव है, एक डायगोनल इसका कहां है? फिगर के बाहर है। यस और नो? यस मैम। देखो ये जो डायगोनल ये फिगर के बाहर है और इसमें कोई फिगर के बाहर डायगोनल है क्या? नहीं है, नहीं है ना? तो बच्चे जो फिगर में डायगोनल जो होता है if it is inside the figure then this figure is called convex polygon, right? Convex polygon, kaun si polygon hai? Convex polygon jisme jo diagonal hai wo uske andar hai, samajh aaya sabko? Interior hai uske, yes ma'am, aur jisme diagonal bahar hai wo hai concave polygon. Ab aap ye wali figure dekho, yahan pe aa jao page number 39 pe, can you see this in your book? All these are convex polygon because the diagonals of these shapes is inside. Okay, and all these figure are concave polygons because diagonal is outside the figure. Can you see this? देखो आप इस point से match करेंगे तो ये diagonal बाहर आएगा, right? Same यहाँ पे ये वाला diagonal बाहर आया और same यहाँ पे यहाँ एक diagonal बनेगा जो figure के बाहर है. So these are concave polygons. And these are convex polygons. समझ आया सबको? मैम कमल मैम, कंकेव पॉलीगन का एक साइड 180 डिग्री से ज्यादा होता है ना? रिपीट करना बेटा। मैम कंकेव पॉलीगन का एक साइड 180 डिग्री से ज्यादा होता है ना? एक साइड नहीं, एंगल। ओके मैम। एंगल एक जो होता है 180 से ज्यादा होता है। यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चे? यस मैम। यस मैम। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं रेगुलर एंड इररेगुलर पॉलीगन, ठीक है? रेगुलर और इररेगुलर पॉलीगन में क्या डिफरेंस होता है देखो। रेगुलर पॉलीगन का मतलब है कोई मेरे पास एक शेप है, जैसे मेरे पास एक ट्रायंगल है ठीक है, और मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ठीक है, अब मैंने ये बोला कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है,
सेम साइड को इंडिकेट करते हैं कट देखो ऐसे ये कट है इसका मतलब है सारी साइडिंग को आपको इन साइड में डबल कट मिलेगा आप चाहो तो सिंगल कट से भी इसको कर सकते हो कि ये करेक्ट चाहो तो डबल कट से भी कर सकते हो ठीक है ऐसे भी नोट कर सकते हो इसको एन सी आर टी में और ऊंचे अच्छा जो इक्वल है वो तो पिछले एक बताइए कि उसका नाम क्या होगा बताओ जल्दी से बताओ ये देखो ये मैंने शेप बनाई है ये साइड इक्वल है ये साइड इक्वल है ये साइड इक्वल है ये साइड इक्वल है और ये दोनों साइड आपस में इक्वल है ये सारी साइड इक्वल लगी है तो ये क्या है बच्चों इन रेगुलर पॉलीगन अंडरस्टूड Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. अब आप देखो तो बुक में देखो जल्दी से ये रेक्टेंगल आपको दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. रेक्टेंगल है रेक्टेंगल है? रेक्टेंगुलर. इररेगुलर. Very good. और ये वाली शेप? Irregular. Irregular. Very good. और ये दोनों? Regular. 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 और इसमें देखो साइड के इक्वल का सिंबल भी लगा हुआ है देख रहे हो सिंबल यानी कि सारे yes, ma'am. Any doubt? No, ma'am. No, ma'am. Okay, बच्चे, next आ जाओ. Angle sum property किसका mic on है? Turn off your mic. पेज नंबर 40 में देखिए और कुछ फिगर है यहाँ पे भी देखो ये रेगुलर है और ये इररेगुलर है आपको तो देखो यहाँ पे रेगुलर है और यहाँ पे इररेगुलर ठीक है नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे एंगल सम प्रॉपर्टी नाउ व्हाट इज दिस ये इंपॉर्टेंट है बच्चों एंगल सम प्रॉपर्टी और इसके बेसिस पे हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी सो इसको भी देखते हैं व्हाट इज दिस एंगल सम प्रॉपर्टी देखो बच्चों सबसे पहले ये ट्रायंगल है ट्रायंगल है इसके सारे एंगल 1 2 3 एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 सम कितना होता है 180 डिग्री अरे 90 कौन बोला 180 डिग्री होता है ना बच्चे ट्रायंगल है 180 डिग्री हां अभी क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं आपको पता है कि ये इंटीरियर पेयर
90 डिग्री 90 चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। एक और चीज बाकी है, इसमें एक और चीज बाकी है बस लास्ट। एक फॉर्मूला है, अगर हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगन है तो उसका एंगल फाइंड आउट करने का हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो देखते हैं क्या है। लिखो इस फॉर्मूले का नाम, एंगल ईच एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, each angle of a regular polygon n minus 2 into 180. N क्या है? Where n is number of sides. Where n is number of sides, okay? Each. अच्छा बच्चे इसमें इंटीरियर कर लेना, इंटीरियर. Okay, sorry, इंटीरियर. और अब हम इंटीरियर एक्सटीरियर. Each exterior angle of a regular polygon इसका फॉर्मूला होता है 360 अपॉन n। बट बच्चे हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे जो पॉलीगन हम ले रहे हैं वो रेगुलर है, ओके, इरेगुलर नहीं है। मतलब उसकी सारी साइड इक्वल है, वही पॉलीगन के लिए दोनों फॉर्मूला हम यूज करते हैं। Where n is number of sides. So please note down in your copy. दोनों फॉर्मूला नोट कर लो बच्चों। Note down in your copy fast. Note kiya bachcho? Done or not? Ma'am, please wait. Okay. मैम साइड कर मैम कहां से नहीं दिख रहा बच्चे, ये लो नाउ ओके मैम विजिबल है ना, करो जल्दी से। डन मैम। नोटेड मैम डन। ओके बच्चे वेरी गुड मैम, आप जल्दी से आ जाओ पेज नंबर 41 पे, फास्ट अपन करो पेज नंबर 41 थर्ड एक्सरसाइज 3.1 ना क्वेश्चन नंबर 4। देखा सबने पेज नंबर 41 क्वेश्चन नंबर 4 देखो यस मैम लास्ट टाइम यस मैम टेबल दिखाई दे रही सबको यस मैम। देखो बच्चों इस फिगर पे आ जाओ सेकंड वाले पे, कितनी साइड है इसमें 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, n माइनस 2 इनटू 180 यानी कि 4 माइनस 2 इनटू 180। यहां देखो कितनी साइड है 1 2 3 4 5, तो फॉर्मूला क्या बना 5 माइनस 2 इनटू 180। और यहां देखो 6 minus 2 into 180. Very good. चलो बच्चों exercise 3.1 ओपन करो जल्दी से fast. देखो बच्चों आपकी अटेंडेंस लगेगी डेली और डेली आपकी अटेंडेंस हमें ऑनलाइन मिल जाती है, सो आपको कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है, ठीक है। और आपके जो एब्सेंटीज होंगे उनकी लिस्ट डेली हम अपलोड करेंगे, सो प्लीज मेक श्योर कि आप कोई क्लास मिस ना करें। सबसे पहले एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। यस मैम यस मैम यस मैम यस मैम यस मैम। आपको बस क्लासिफाई करना है कौन सा सिंपल कर्व है, कौन सा सिंपल क्लोज्ड कर्व है, कौन सा पॉलीगन है, कौन सा कॉन्वेक्स पॉलीगन है,
कौन सा कनकेव पॉलीगन है। अच्छा फिगर फोर देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फोर्थ पार्ट, मुझे बताओ ये क्या है। फर्स्ट मैम कॉनकेव पॉलीगन। वेरी गुड, कॉनकेव पॉलीगन, क्योंकि इसमें डायगोनल बाहर है। अच्छा क्वेश्चन नंबर टू पे आ जाओ, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग है। ये हो जाएगा आपको डायगोनल मैम। यस मैम। यस मैम। कॉनकेव पॉलीगन में ड्रा ड्रा करोगे कॉनकेव पॉलीगन, फिर उसमें डायगोनल्स कितने हैं काउंट करने हैं, हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा ट्रायंगल में कितने डायगोनल होते हैं मैम? जीरो। जीरो। मैम जीरो। वेरी गुड। जीरो। 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 क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, व्हाट इज द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। इसने पूछा है कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का सम 360 डिग्री कितना होता है। 360 हो गया। 360 डिग्री पूछा है। सुनो आगे, सुनो रुको रुको आगे सुनो। Will this property hold if the quadrilateral is not convex? Yes or no? Yes. 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 क्योंकि पॉलीगन है तो उसके सारे एंगल का सम कितना होगा? 360 होगा। अब ये मैटर नहीं करता कि वो कन्वेक्स है या फिर कनकेव है। ओके समझ आ गया सबको क्वेश्चन? Yes ma'am. हो जाएगा? Yes ma'am. क्वेश्चन नंबर 4 देखो, examine the table, each figure is divided into triangle and sum of the angles deduced from that. ये तो आपको मैंने समझाई दिया। What can you say about the sum of angles of a convex polygon with number of side? आपको बताना है बच्चे। क्वेश्चन नंबर ये जो है आपका फोर्थ, आपको बताना है कि अगर हमारे पास n की वैल्यू ये है, ठीक है, n की वैल्यू 7 - 2 - 180 = 5 बच्चे आपको ये बताना है अगर n की वैल्यू 7 लोगे 8 लोगे 10 लोगे n लोगे तो कितना सम ऑफ एंगल्स निकलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन, स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, थ्री साइड वाले रेगुलर पॉलीगन। इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो किसकी साइड इक्वल होनी चाहिए? इक्विलेटरल ट्रायंगल। रेगुलर पॉलीगन राइट? यस मैम। अच्छा फोर साइड्स वाले का क्या नाम होगा? स्क्वायर। 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 मैम वन मोर रोम्बस। रोम्बस रोम्बस स्क्वायर। वेरी गुड। थर्ड बताओ। रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन। वेरी गुड बच्चों। अब सिक्स्थ क्वेश्चन पे जाओ। सिक्स्थ क्वेश्चन पे जाओ, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग। देखो ये एक फिगर है, इसके सारे सम कितने एंगल कितने डिग्री के होने चाहिए? 360 degree तो इन सबको प्लस कर देंगे 300 degree प्लस x is equal to 360 degree x is equal to 360 degree minus 300 degree x is equal to 60 degree. Very good. तो हम इन सबको ऐड करते हैं और फिर 360 में से माइनस कर देंगे, अब x की वैल्यू आ जाएगी। समझ आ गया सबको? यस मैम। सिमिलरली यहां आ जाओ, देखो b वाले पे आ जाओ, b वाला देखो x + 70 डिग्री + 60 डिग्री + 90 डिग्री = 360 डिग्री x + 1 x + 2 220 डिग्री = 360 डिग्री x = 30 डिग्री। देखो बच्चों यानी कि आपको पूरा समझ आ चुका है कॉन्सेप्ट। देखो एक बार, सी स्टूडेंट यहां पे 90 डिग्री का सर्कल बना हुआ है, यानी कि एंगल कितने का है? 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x + 70 + 90 + 60 = 360
माइनस बाय 360 इक्वल्स टू एक्स. ओके बच्चे, ओके 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 ओके. सी पार्ट पे आ जाओ. सी पार्ट देखते हैं क्वेश्चन ना. सी पार्ट जैसे निकल है. मैम सम ऑफ 70 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री देखो ये x है, ये भी x है और ये 30 दिया. तो बताओ ये वाला एंगल कितने का है? ये वाला 30 डिग्री 110 डिग्री 110. ये वाला 110 डिग्री 120. अब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? x plus 30 plus 110 plus 120 is equal to 360. ठीक है? अब x plus x कितना हो जाएगा? 2x. और इन लोगों को ऐड करने के बाद क्या होगा आपके पास? 150. Sorry, 260. अब हम कैसे पॉइंट आउट करेंगे? 360 में से 260 क्या? 100. अब तू यहाँ से बचा के 50. समझ आ गया सबको? यस मैम. नोट करने की जरूरत है तो नोट कर लो. ओके बच्चे, अपनी क्लास में बहुत होने का टाइम अभी नहीं हुआ शायद. टाइम है मैम 11 बजे. ओके ओके, समझ आ गया. नोट नोट कर लो बच्चे, वाला सी वाला सी पार्ट कट कर सकते हो. मैं हो गया. चलो बी पार्ट में लिखते हैं. डी पार्ट देखिए. ऐसे फिगर है पॉलीगन क्या इंटीरियर एंगल अगर हमें फाइंड आउट करना है तो क्या फॉर्मूला था? n माइनस 2 इक्वल्स टू 360. n माइनस 2 n माइनस 2 इन 180 n माइनस 2 इन 180 n माइनस 2 इन 180 तो कितना है? कितना है? 1 2 3 4 5 5 माइनस 2 इन 180 540. बच्चे लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली. अभी मैंने जो आपको एक फॉर्मूला नोट करवाया था ईच एंगल वाला, उसे निकालो कभी भी. मैं निकाल लिया. उसमें मैंने आपको क्या लिखवाया था? ईच एंगल ऑफ पॉलीगन राइट एन माइनस टू इनटू 180. यस मैम. कट कर देना, वो ईच एंगल नहीं है बेटा, सम है. ठीक है,
करेक्ट कर लिया सबने? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैंने आपको नोट करवाया था ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन राइट, उसको आपको कर देना है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। हो गया? यस मैम। यस मैम। सी स्टूडेंट, डी पार्ट में हमारे पास क्या आ गया? सम आ गया, ठीक है। अब आप सम में साइड कितनी है इसकी? 1 2 3 4 5। आप इसमें 5 का डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एक एंगल का मेजर आ जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑल एंगल्स आर सेम, राइट? बिकॉज सारी साइड सेम है इसकी रेगुलर पॉलीगन की, तो सारे एंगल्स भी सेम है, ठीक है। सम कितना आया डी पार्ट में? कितना है? 540। तो सम आपके पास आया 540। तो ईच एंगल आएगा, ईच एंगल यानी कि एक्स की वैल्यू 540 अपॉन 5। 108। 108। एक्स की वैल्यू क्या है बच्चे? देखो एक फिगर है हमारे पास, ये फिगर है और ये है आपका एक्स 90, ये 90, ये है वाई और ये है आपका 30 और ये आपका जेड। देखो बच्चों, सबसे पहले ये आपको गिवन है 30 प्लस 90, ये दोनों अंदर के अंदर गिवन है, ये वाला एंगल आपको गिवन है, तो आपको 30 ये कितना एंगल 30, क्योंकि टैन का सारे एंगल का सम कितना होता है 180। 180 का सम ये माइनस किया तो इनका मुझे 30 हो जाएगा, ठीक है। Now see, अब आपको x plus y plus x की वैल्यू बताओ कितनी है? 180 में से 90 को माइनस कर दो कितना बचेगा? 120। अरे बच्चों, 180 में से 30 को माइनस करना 120। मैम 30 नहीं आएगा वहाँ पर, मैम 60 आएगा वहाँ पर। यस मैम। यस मैम। ओके ठीक, अब देखो ये एंगल 30 है, ये कितना है? 150। 150। नाउ यू कैन इजीली टेल व्हाट इज x plus y plus z। देखो x कितना है? 90 प्लस y कितना है? 150। यस मैम। सिमिलरली विल डू बी पार्ट। ग्यारह बजे वाला पीरियड शुक्ला सर का आपको
फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही बोलते हैं। ओके, आपका होमवर्क ये मुझे लिसन, ये पूरी एक्सरसाइज आपको करनी है। ओके मैम। ठीक है, और मैं ओके मैम, ओके मैम, असाइनमेंट क्रिएट ओके मैम आपको अपलोड करना है, राइट? ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।